हेलो, ये एससीपी कोल्ड कंपनी का फ्रीजर रूम का कंट्रोल पैनल है। ये कंट्रोल पैनल फ्रीजर रूम के अंदर हम यूज करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इसके टेम्परेचर डिस्प्ले दिखाई दे रहा है। डिस्प्ले के अंदर यूपिटर फैन का सिंबल है, कंप्रेसर का सिंबल है। यहाँ पे वोल्टेज भी दिखा रहा है। आपका वोल्टेज हमेशा के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कम ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ पे सीधा डिस्प्ले में मेंशन करेगा। नीचे आप देख सकते हो कि तीन बल्ब है, उसमें से एक कंप्रेसर का है, एक हीटर का है और एक फैन का है। अभी आपका मशीन कौन सा वर्किंग पोजीशन में चल रहा है वो भी आप इजीली देख सकते हो। ये कंट्रोल पैनल बहुत ही इजी और अच्छा बनाया हुआ है। इसमें आप डिफ्रोस्टिंग का भी है, अगर आपको डिफ्रोस्ट डालना है तो यहाँ पे सिर्फ 3 सेकंड प्रेस करोगे तो डिफ्रोस्ट में मशीन चला जाएगा, क्या हमें डिफ्रोस्ट का सिंबल आएगा। अभी हम जाएंगे इसके अंदर कंट्रोल पैनल के अंदर, ये कंट्रोल पैनल का वायरिंग कैसे काम करता है। कंट्रोल पैनल का वायरिंग बहुत ईजी है। सबसे पहले इसमें मेन MCB दिया है, यहाँ से आप मशीन को ऑन ऑफ कर सकती हो। ऑफ कर दिया, अभी इसको ऑन कर दिया। इसके 1 मिनट के बाद में आपका कंप्रेसर स्टार्ट होगा, उसके बाद में आपका फिर रूम के अंदर आपका टेम्परेचर आएगा, उसके बाद में आपका फैन स्टार्ट होगा। हाँ, और दूसरा आपका 3 फेज के अंदर यहाँ पे फ्यूज भी सेफ्टी के लिए हमने दिया है। इसके अंदर फ्यूज दिया हुआ है। हाँ, अगर आपका फ्यूज उड़ जाएगा तो यहाँ पे सीधा SPP ट्रिप मारे। जैसे मान लो फ्यूज मैंने निकाल दिया, यहाँ पे रेड लाइट आ गया, फ्यूज आपका उड़ गया। अभी इसको वापस लगा दिया तो ग्रीन लाइट आ जाएगी, मतलब ये आपका फ्यूज सही हो गया। तो ये भी सेफ्टी इसके अंदर दिया हुआ है। कंप्रेसर के साथ में ओलोड भी दिया हुआ है। ये साइड में कॉन्टेक्टर है, वो हीटर का कॉन्टेक्टर है, बीच वाला लास्ट वाला कॉन्टेक्टर है, ये वाटर फैन का कॉन्टेक्टर है। अभी बात आएगी इसकी वायरिंग की। इसकी वायरिंग बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें यहाँ कमांड दिखाया गया है वायरिंग का। इसमें सबसे पहले कंप्रेसर से कमांड जाएगा 3 नंबर का। हाँ, कंप्रेसर से सीधा कमांड जाएगा, वो डायरेक्ट जाएगा आपका कनेक्टर में, उधर से जाएगा HPLP स्विच के अंदर। HPLP में पावर जाएगा, वहाँ पे प्रेशर सब सही होगा, उसके बाद में रिटर्न आएगा। रिटर्न आने के बाद में जाएगा आपका ओलोड रिले के अंदर। ओलोड रिले के अंदर वो आ गया, उसके बाद में सीधा कॉन्टेक्टर में जाएगा और आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे कंप्रेसर का साइकिल हो गया, सेम इसके बाद डिफ्रोस्टिंग का साइकिल है। वैसे ही डिफ्रोस्ट में भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो। हाँ, डिफ्रोस्ट डीप करके लिखा है। इधर से पावर जाएगा सीधा आपका डिफ्रोस्ट कॉन्टेक्टर के अंदर आएगा, डायरेक्ट यहाँ पे सीधा इधर से कनेक्टर में होके अंदर योपलर मशीन के अंदर जाएगा, आपका हीटर स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में और एक फंक्शन है इसके अंदर, वो है आपका योपलर फैन। यहाँ पे 2 नंबर में फैन लिखा है। फैन से सप्लाई आएगा, सीधा कॉन्टेक्टर के अंदर जाएगा, कॉन्टेक्टर पकड़ेगा, उधर से सीधा पावर निकलेगा आपका कनेक्टर में जाएगा और सीधा जाएगा योपलर फैन के अंदर। तो इस टाइप का आपका कंट्रोल पैनल वायरिंग काम करता है। तो ये हमारा फ्रीजर रूम का कंट्रोल पैनल का वायरिंग है। ये आप काफी टाइम से बता रहे थे कि वायरिंग जानना है, इसके लिए मैंने आपको समझा के दिखाया है।